There was a patch where there was pin drop silence. Very weird. Hey guys, welcome back to my channel. For those of you who are new here, welcome. I am Kasturi. ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, जो भी इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे ट्रैवल कर रहा है फ्लाइट से, उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, ठीक है। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है। मैं मिनिमलिज्म, सस्टेनेबल एंड हेल्दी लिविंग एंड स्लो फैशन पे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले एयरपोर्ट की एंट्री गेट से पहले वो एक फॉर्म दे रहे हैं जो कि पैसेंजर डिटेल्स हैं, जिसमें सारे आपको डालने हैं, आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का एड्रेस, वहाँ का पिन कोड वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आरोग्य सेतु ऐप, वो आपसे चेक करा रहे हैं। सेकेंड चीज़, दूसरी चीज़ यही है कि वो आपका आरोग्य सेतु ऐप चेक कर रहे हैं कि उसमें आपका ग्रीन है कि नहीं, आप योर सेफ लिखा है कि नहीं। फिर तीसरी चीज़ है वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये सब कुछ एयरपोर्ट में एंट्री लेने से पहले वो सब चेक कर रहे हैं। तो ये तीसरी चीज़ थी आपका टेम्परेचर चेक। उसके बाद वो आपका आईडी कार्ड मांग रहे हैं, आपका वेब चेक इन जो आपने किया है वो आप ऑनलाइन दिखा दीजिए, और आपका टिकट का जो प्रिंट आउट आप लेके आए हैं वो दिखा दीजिए। ये तीन चीज़ें। इसके बाद आपके पास चेक इन बैग है तो आप काउंटर पे चेक इन करा दीजिए। एयर इंडिया की टिकट में कुछ गाइडलाइंस लिखी थी, उसमें लिखा था कि आपको अपने चेक इन सूटकेस में आपका नाम और आपका PNR को लिखना है या फिर उसको पेपर पे लिख के चिपका देना है और वैसे ही चेक इन करना है। लेकिन मेरे आगे जो चेक इन करा रही थी अपना बैग, उनके बैग पे कोई नाम या कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और उनको ईजिली उन्होंने चेक इन करने दिया। फिर मेरा बैग चेक इन कराने के बाद मैं सिक्योरिटी की तरफ गई। और वो जो लेडी वैसे बॉडी स्कैन करती है, उन्होंने बस बोला कि अपने हाथ ऊपर करो और ऐसे ऐसे करके पैदल वॉक करते हुए निकल जाओ, आपका कोई बॉडी स्कैन नहीं हो रहा है। उन्होंने ऑलरेडी बोर्डिंग पास स्टैम्प करके रख दिया था। तो बस ये एक नई चीज़ है सिक्योरिटी सेक्शन में। मेरा गेट 40B था जो कि बहुत दूर था। लाइक मेरे को लग रहा था मैं 1 किलोमीटर तो चल ही चुकी हूँ पहुँचने के लिए। चेक इन एंड एवरीथिंग इज डन। नाउ आई जस्ट हैव टू सिट एंड चिल टिल 4:30। राइट नाउ इट्स 1:20 एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आई एम गोना ईट एंड चिल टिल 4:30। And I've never seen this airport so empty. It's all empty. Like there was a patch where there was pin drop silence. Yeah, weird. Very weird. तो ठीक है, बट किससे मेंटेन करें, कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है एयरपोर्ट। फिर उसके बाद करीब 1 घंटे पहले उन्होंने सारे मिडिल सीट वाले लोगों को बुलाया, B और E सीट वालों को, और उन्होंने हमको PP किट दिए। उस PP किट में एक गाउन जैसा पूरा बॉडी को कवर करने के लिए था, आपके बाल कवर करने के लिए था पूरा, और साथ साथ शूज़ को कवर करने के लिए था। तो ये 3 चीज़ें थी उस PP किट में। इसके बाद करीब आधे घंटे बाद बोर्डिंग शुरू हुई। इसमें 2-3 नई चीज़ें थी। पहली चीज़ कि वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहे थे बोर्डिंग के टाइम भी, और ये दूसरी बार टेम्परेचर चेक है पूरे प्रोसीजर में। उसके बाद आपको आपका बोर्डिंग पास खुद ही स्कैन करना है, वहाँ स्कैनर लगा है, आपको जस्ट बारकोड उस पर रख देना है, वो स्कैन हो जाएगा। फिर आपको वो एक और पैकेट दे रहे हैं जिसमें आपको फेस शील्ड दे रहे हैं, आपको मास्क दे रहे हैं और 4-5 सैशे दे रहे हैं सैनिटाइजर के। तो ये फेस शील्ड पहन के आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है। मेरी फ्लाइट करीब 1 घंटा 15 मिनट की थी। केबिन में हवा का दबाव कम होने पर अपने कोविड मास्क हटाएं, वाइजर हटाएं, मास्क को अपनी ओर खींचें, नाक और मुंह पर लगाएं और इलास्टिक बैंड को कस लें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद पास बैठे बच्चों और सहयात्रियों की मदद करें। भोपाल में लैंड करने के बाद और अपना बैग कलेक्ट करने से पहले वो एक फॉर्म दे रहे हैं जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से है। इसमें आपको सारा आपका फिर से वही डिटेल वगैरह डालना है, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का एड्रेस, वहाँ का किसी का फ़ोन नंबर, आपका आधार नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर। तो ये फॉर्म भर के आपको रेडी रखना है। जब आप एग्जिट कर रहे होंगे तो ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। बैग लेने के बाद एग्जिट के पास ही वहाँ पे 2 बिन्स रखे हुए हैं जहाँ पे आप अपना पीपी किट सारा फेंक सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब वहाँ पे बाहर निकलने के लिए एक लाइन बनी हुई थी। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने भरा था वो वहाँ पे सबमिट करना था और वो काउंटर पे एक लेडी बैठी थी जिन्होंने मुझसे पूछा सब कि आपको सर्दी जुकाम या कुछ तो नहीं है या फिर आपने कहीं बाहर ट्रैवल तो नहीं किया है वगैरह। उन्होंने मेरा फॉर्म रख लिया और फिर 3rd टाइम मेरा फिर से टेम्परेचर चेक हुआ और उन्होंने मुझे बस बोला कि आप सेल्फ क्वारंटीन घर पे 14 दिन के लिए कर लीजिएगा और फिर मैंने एग्जिट कर लिया, मैं बाहर आ गई। तो ये था पूरा ट्रैवल मुंबई से भोपाल तक का। अब दूसरे पार्ट में मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है कि काम आ सकती हैं। हो सकता है आप ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो बट मैंने इनमें से कुछ चीज़ें नहीं करी थी जिससे मुझे फ़र्क पड़ा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहें। तो पहली चीज़ है वेब चेक इन। मैं एयर इंडिया से जा रही थी तो मेरा वेब चेक इन 72 आवर्स पहले ही था, फिर भी मैंने लापरवाही करके 48 आवर्स में चेक इन किया और मेरे को सिर्फ मिडिल सीट मिली। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, मिडिल सीट हमेशा दिखाता है वेब चेक इन में, तो जब मैं काउंटर पे जाऊंगी तो मैं उससे पूछ लूंगी कि मुझे कोई मतलब विंडो सीट या आयल दे दें, बट कोई अवेलेबल नहीं थी। और प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मिडिल सीट वालों को पीपी किट पहनना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेके जब 72 आवर्स स्टार्ट होते हैं तभी के तभी अगर आप वेब चेक इन कर लेंगे तो आपको आपकी पसंद की सीट मिल जाएगी और आप कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और एयरलाइंस जैसे इंडिगो हो गई, उसका 48 आवर्स पहले ही वेब चेक इन हो, तो आप पहले ही वेब चेक इन करके ख़त्म करिए, नहीं तो फिर आपको मिडिल सीट मिलेगी। दूसरी चीज़, आप अपना खाना खुद ही बना के लेके चलिए और हो सकता है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाना कैरी करिए या फिर जैसे बिस्किट्स रख लीजिए, कुकीज़ रख लीजिए, सब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा क्योंकि प्रिकॉशंस लेते हुए वो फ्लाइट के अंदर कोई खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और एयरपोर्ट पे भी, मैं मुंबई के T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी, सारे फूड स्टॉल्स वगैरह और कॉफ़ी शॉप सब बंद थे और हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए। मैंने कुछ लोग देखे जो एयरपोर्ट के बाहर ही बैठे थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी तो उन्हें वापस रेजर्वेशन के लिए खड़ा होना था लाइन में और वहाँ पे कुछ भी फूड का प्रोविज़न नहीं है। तो बेटर होगा कि आप अपना खुद ही खाना कैरी करिए। इसी के साथ आप एक फ्लास्क में अपना टी, कॉफ़ी या गर्म पानी भी कैरी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बहुत ऑब्वियस है, सैनिटाइज़र स्प्रे। मैं सैनिटाइज़र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सैनिटाइज़र स्प्रे की बात कर रही हूँ। मैंने PeaceSafe कैरी किया था, ये भी सैनिटाइज़र स्प्रे है। जैसे आप वॉशरूम जा रहे हो तो पहले एंटर करने से पहले आपने डोर नॉब पे स्प्रे कर दिया, फ्लश बटन पे स्प्रे कर दिया, ये सेफ भी है और आप टेंशन फ्री रहोगे। चौथी टिप है कि आप अपने ग्लव्स खुद कैरी करना क्योंकि वो ग्लव्स कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो भी वो पीपी किट दे रहे हैं वहाँ पे भी नहीं, या फिर जो बोर्डिंग के टाइम एंट्री पे वो लोग फेस शील्ड दे रहे हैं वहाँ पे भी नहीं, तो ग्लव्स ज़रूर से खुद कैरी करिएगा। और आखिरी टिप है कि आप अपने गैजेट्स को संभालिए। जब आपके गैजेट्स सिक्योरिटी से जा रहे हैं तो वो पूरे एक्सपोज्ड हैं और उसके बाद आप उसको अपने बैग में डाल ले रहे हैं एंड आपको नहीं पता वो कहाँ से टच होके जा रहा है। तो मैंने एक अंकल को करते हुए देखा था एयरपोर्ट पे कि उनका जब सिक्योरिटी हो गया था, बैग में डालने से पहले उन्होंने वो पूरे गैजेट्स पे स्प्रे किया, अपना सैनिटाइज़र स्प्रे किया, उसको अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद उन्होंने अपने बैग में डाला। इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि सैनिटाइज़ करने के चक्कर में आप अपने गैजेट्स को ख़राब मत कर देना। तो आप एक कपड़े पे सैनिटाइज़र स्प्रे मार के उसको बस पहुँच सकते हैं। ये एक चीज़ है, ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है क्योंकि आप वो पूरे गैजेट्स अपने बैग में डाल दे रहे हैं और आपके बैग में भी बहुत सारा सामान होगा। तो ये थी आखिरी टिप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलेगा और इसको उन सबसे शेयर करिए जो इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों को ये बहुत यूजफुल होगी। और ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड तब तक के लिए लव एंड पीस। ऐप में आपका ग्रीन आ रहा है या फिर कोई और कलर आ रहा है, अगर आपने लिखा हुआ है यू आर सेफ मतलब यू आर सुरक्षित, मतलब आप सुरक्षित हैं।